कुछ नहीं करना है आपको, सीधे वी एन मास्टर डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर में जाएं, वी एन लिखें, वी एन वीडियो एडिटर, फिर उसे देखिए मेरा डाउनलोड है, मैं अपडेट कर लेता हूँ। मेरा अपडेट हो चुका है, इंस्टॉलिंग हो रही है, इंस्टॉल हो चुका है मेरा। आप इंस्टॉल कर लें, उसके बाद स्क्रीन पे जाके उसे ओपन कर लें। प्लस के आइकन पे क्लिक करें, उसके बाद आपने वीडियो चुन लें जो जो आपको एडिटिंग करना है। वीडियो इस तरीके से लेना है, जैसे आपको 3-4 वीडियो लेना है मान लीजिए, तो आप फर्स्ट वाले को फर्स्ट में क्लिक करें, मतलब फर्स्ट नंबर पे रखें, सेकंड वाले को सेकंड पे, थर्ड वाले को थर्ड में, क्रम वाइज रखें जिसके पीछे आपको जिस वीडियो को लेना है उस क्रम से रखें। जैसे फर्स्ट ले लिया, सेकेंड ले लिया, अब मैं थर्ड जैसे आपको थर्ड लेना है अगर, तो आप थर्ड पे क्लिक करें। आपको 3-4 जितने वीडियो लेने हैं आपको उस हिसाब से तीसरे पे क्लिक कर दें। आपको दो लेता हूँ, मैं बता रहा हूँ केवल आपको एडिट करना सिखा रहा हूँ केवल, इसलिए यस पे क्लिक करें। थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लेगा प्रोसेसिंग में, यहाँ पे भी थोड़ा सा टाइम लेगा, जिस हिसाब से फाइल होगी उस हिसाब पर टाइम लेगा। मैं आपको केवल बेसिक समझा रहा हूँ, अगर आपको प्रॉपर वीडियो चाहिए, पूरा डीप वीडियो अगर बना चाहिए, तो जिस हिसाब से लाइक फॉलोअर पड़ेंगे उस हिसाब से बना दूंगा। कलर ग्रेडिंग, मास्किंग, ऑडियो इफेक्ट, इसी से मैं थंबनेल बनाना सिखा दूंगा आपको। देखिए प्रोसेसिंग हो गई, वीडियो एडिटिंग के अंदर चलते हैं सीधे। देखिए वीडियो आ चुका है, पहला दूसरा दोनों वीडियो आ चुका है। जो आप वीएन मास्टर लेकर आ रहा है लास्ट में, आप उसको डिलीट कर सकते हैं, ये साथ सबको नहीं पता होती है, इसको आप डिलीट कर सकते हैं, आपके वीडियो पर नहीं आएगा लास्ट में, सबको नहीं पता होता। आप ये देखिए फर्स्ट नंबर पर आता है फिल्टर, आप फिल्टर पर क्लिक करें, देखिए कितने सारे फिल्टर आ गए। अगर आप फिल्टर पेड करके लेते हैं तो आपको कुछ बहुत थोड़े बहुत बढ़ जाते हैं, वरना बढ़ते नहीं, वैसे इतने ही ठीक रहते हैं। ये जैसे प्रो लिखा है, जैसे प्रो लिखा है, यही पेड होते हैं, पेड में मिल जाते हैं और ज़्यादा नहीं कुछ मिलता इसमें। अब बिना पेड भी आप अच्छा तरीके से यूज कर सकते हैं। देखिए हर तरीके से इफेक्ट है इसमें, कम ज़्यादा जिस हिसाब से आपको जिस तरीके से कलर डालना हो, ये अपने आप से एडजस्ट कर सकते हैं मोड के हिसाब से, मोड होते हैं इसमें। देखिए ऊपर फॉग का होता है, हर तरीके के आपको मिल जाते हैं, क्रिएटर कर सकते हैं, ओरिजिनल कर सकते हैं, जिस पे आपको लगाना चाहें एडजस्ट कर सकते हैं उस पे। आप देखिए आप अपने हिसाब से कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं इसमें। ये देखिए कंट्रास्ट कम ज़्यादा कर सकते हैं, सॉरी कंट्रास्ट ये था, कंट्रास्ट कम ज़्यादा कर सकते हैं आप। ब्राइटनेस आप जितनी रखना चाहते हैं, ये देखिए ब्राइटनेस, ये ब्राइटनेस जितनी कम ज़्यादा करना चाहें आप कर सकते हैं, ये इतनी ठीक लग रही है वैसे। आप इसमें कलर भी डाल सकते हैं, जितना डार्क डालना है, जितना कम डालना है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं इसमें, इससे भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब सबसे अच्छा मेरे को ये लगता है थर्मामीटर, इस पर आप दोनों दिख जाता है, गर्मी के सीजन में दिखता है और ठंडी के सीजन में, आप खुद जानते होंगे गर्मी प्लस में जाती है और माइनस में ठंडी जाती है। ये देखिए यहाँ ठंडी प्लस में जा रही है और माइनस में ठंडी जा रही है। चलिए आप HCL से कलर कर सकते हैं, कलर अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं,
स्काई कलर आप देखिए, इसमें स्काई का कलर आप डार्क का और कम कर सकते हैं देखिए। और ऐसे आप किसी कलर को भी ग्रीन कलर ले लीजिए, मान लीजिए आप जो माउंटेन पे देखिए कलर जो ग्रीन है उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं आप देखिए, ये देखिए कम ज़्यादा हो रहा है, आप इसी तरीके कम ज़्यादा कर सकते हैं, उसको डार्क कर सकते हैं अपने हिसाब से, एडजस्ट कर लिए जिस हिसाब से आपको चाहिए, कम ज़्यादा चाहिए ज़्यादा। ये देखिए रेड कलर को भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जो अपने हिसाब से जिस तरीके से आपको सबको अलग अलग पसंद होती है, जिस तरीके से आप एडजस्ट करना चाहें। हाँ लाइट भी कर सकते हैं आप, ये देखिए हो रहा, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, कम से कम कर दें, माइनस में माइनस कर दें, ऐसे। दूसरा था ट्रिम, आप ट्रिम पे क्लिक करें, आपको जितना वीडियो चाहिए आगे से या पीछे से दोनों से ट्रिम कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे को ये व्हीकल नहीं चाहिए, बगल से निकला, इतनी वीडियो नहीं चाहिए मेरे को, मैं इसको क्रॉप कर देता हूँ, देखिए मैं इसको क्रॉप कर देता हूँ, बस मेरे को इतना वीडियो चाहिए, इसके आगे इतनी वीडियो नहीं चाहिए। अब देखिए वो ट्रक नहीं आएगा, जैसे आप ये आप कर सकते हैं, जैसे वो ये गुफा है, मैं जब गया था तो गुफा नहीं आ, मेरे को गुफा मान लीजिए नहीं चाहिए, मुझे गुफा हटा ही देता हूँ। ये देखिए मैंने गुफा पीछे से क्रॉप कर दी, अब ये गुफा इतनी नहीं आएगी, गुफा आएगी ही नहीं, उतना वीडियो मैंने हटा ही दिया, पीछे से ट्रिम कर दिया उसको। इसको बोलते हैं ट्रिम, मतलब आगे से पीछे दोनों से आप ट्रिम कर सकते हैं, बीच का हिस्सा नहीं छोड़ सकते, आगे से और पीछे से ट्रिम कर सकते हैं आप अपने हिसाब से, एडजस्ट कर सकते हैं जितना आपको चाहिए वीडियो, बीच का निकालना है बीच का, या आगे से जितना कट करना है आगे से कर लें, पीछे से क्रॉप करना पीछे से कर लें। उसके बाद ये देखिए फिल्टर पे, फिल्टर में चल रहा है, मान लीजिए मेरे को कार के इस पोजीशन पे ब्लिंक चाहिए, मेरे को ब्लिंक करना चाहिए, मान लीजिए मेरे को इसमें ब्लिंक चाहिए, मेरे को चाहिए मेरे यहाँ वीडियो ब्लिंक करे, लाइट ब्लिंक करे, तो आप जितना चाहें उतना एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए आप इसको 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, आधा घंटा, एक घंटा, जितना आप खींच सकते हैं, रबड़ है आप जितना खींच लें। उसके बाद अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लें, जितना आपको चाहिए, जितने वीडियो पे चाहिए आपको, आपको आगे वीडियो चाहिए आगे डाल लें, पीछे से आगे वीडियो में चाहिए आगे डाल लें, वरना पीछे से चाहिए तो पीछे डाल लें, जिधर आपको आपको एडजस्ट करना उधर कर लें। ये आपको देखिए, ये देखिए वीडियो पे लग गया। अब आता है स्प्लिट कट, कैंची जो बनी होती है इससे आप वीडियो कट कर सकते हैं। मान लीजिए ये ट्रिम निकला, मान लो मेरे को ये वीडियो नहीं चाहिए यहाँ पे, तो इसे सेलेक्ट करके इसको सेलेक्ट कर लिए, आप इसे यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, ये देखिए डिलीट का ऑप्शन दे रहा है, आप सीधे डिलीट कर सकते हैं बीच से कट करके। ये देखिए आप दो जगह से दे रहा है, यहाँ से कट कर लें या ऊपर से डिलीट कर लें, मान लीजिए साइड से डिलीट कर लें। और अगर आपको दोबारा वापस लगाना है तो आप अंडू क्लिक कर सकते हैं, फिर अंडू कर लें, मतलब जितनी बार आप जो भी इफेक्ट डालना चाहते हैं सब हटाना चाहते हैं तो आप अंडू पे क्लिक करते रहें, सब हट जाएगा। एक बार दूसरे अंडू से आते हैं, एक फर्स्ट अंडू से जाते हैं, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ज़्यादा कट जाते हैं तो रॉन्ग साइड पर भी कर सकते हैं आप। उसके बाद आता है डिलीट का ऑप्शन, देखिए स्प्लिट के बगल में डिलीट का ऑप्शन है, इसे किया जाता है। देखिए स्पीड वाले में आते हैं, देखिए स्पीड कार देखिए काफ़ी तेज चल रही है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए स्पीड जा रही है, आप स्पीड में क्लिक करें, उसके बाद इसको नीचे कर दें। अब देखिए ना, अब जितना ये नीचे कर देंगे आप उतनी स्पीड से स्लो गाड़ी जाएगी, फिर धीरे जैसे जैसे ऊपर जाने लगेगा एरो, वाइट लाइन जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी।
देखिए स्लो चल रही है, ये देखिए कितनी स्लो चल रही। आप वीडियो क्रॉप कर सकते हैं इससे, ये देखिए मान लो मेरे कितना वीडियो चाहिए तो मैं इतना क्रॉप कर लूँगा, और आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। देखिए इतना क्रॉप कर लिया मैंने, राइट क्लिक कर दें, रोटेट में क्लिक करें, रोटेट से आप वीडियो अपना रोटेट कर सकते हैं। व्हीकल चला सकते हैं इधर से राइट से लेफ्ट, राइट लेफ्ट इसे कर सकते हैं, आप फ्लिप कर सकते हैं इसे कम ज़्यादा। ये नॉर्मल होता है, इसका कोई ज़्यादा इफेक्ट पड़ता नहीं है। आप इसे किसी जगह पे कलर कम ज़्यादा ग्रेडिंग कलर के टाइप की मतलब कि डाल सकते हैं। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण रहता है ब्लर। इसके बाद आप सबसे पहले ब्लर पे जाएं, जैसे आपको कोई वीडियो कट करते हैं आप भी इससे कट कर लें, मान लें इतने पे कट कर लें, जैसे इतने वीडियो पे मेरे को ब्लर चाहिए, ये नहीं दिखा सकता मैं, मान लीजिए वीडियो को या किसी इंसान को यहाँ पे छुपाना है तो जब मैं बता सकता हूँ इंसान को छुपा सकता हूँ, लेकिन ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं करूँगा, नॉर्मल बता रहा हूँ। तो आप इसको ब्लर कर सकते हैं, जितना चाहे उतना कर सकते हैं इतना, और थर्ड पे इतना हो जाता है, फर्स्ट पे इतना, आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं इससे, इसे कम ज़्यादा कर लें, राइट कर दें। ये देखिए अब इतना वीडियो ब्लर रहेगा, आपको प्ले करके दिखाता हूँ, देखिएगा जैसे वो वीडियो आएगा तो इतना ब्लर हो चुका होगा। ये देखिए ब्लर हो गया, आप अपने हिसाब से ब्लर कर सकते हैं, कम ज़्यादा बहुत ज़्यादा, जिस हिसाब से आपको चाहिए उस हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद आता है इफेक्ट्स, म्यूजिक इफेक्ट्स, आप म्यूजिक पे क्लिक करके जूम इन डाउन आउट भी ठीक रहता है, आप इसे जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं वीडियो राइट लेफ्ट, म्यूजिक डाल सकते हैं प्लस पे क्लिक करके, आप चीज़ें रिंगिंग वेदर फास्ट मिसर फनी म्यूजिक का डाल सकते हैं, आप निकाल सकते हैं, या आपने कुछ अपनी तरफ से डाउनलोड किए हो तो माई ऑडियो में जा करके आप क्रिएटर में क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं, डाल सकते हैं अपने इफेक्ट, वो आपके ऊपर होता है। उसके बाद बैक कर दें, उसके बाद टाइटल पर क्लिक करें, उसके बाद टाइटल पर क्लिक करें टेक्स्ट पे, और उसके बाद कई सारे टेम्पलेट मिल जाते हैं, ये देखिए कई सारे टेम्पलेट मिल गए, आपको जो अच्छा लगे आप वो टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं। बॉम ये ले लेते हैं, वही ठीक लग रहा है, बॉम ही ले लेते हैं। आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितनी दूर तक आप लगाना चाहें उतनी दूर तक लगा सकते हैं आप इसे, जितने वीडियो पे आपको चाहिए इतने पे आ जाए, इतने पे आपको मैं की फ्रेम एडिट ये सब बता सकता हूँ, बताऊँगा लेकिन बाद बताऊँगा, ज़्यादा लंबा वीडियो मैं करना नहीं चाह रहा। उसके बाद आप इस पे चले जाएं,
आप यहाँ से थंबनेल ले सकते हैं, जिस तरीके का भी थंबनेल चाहिए आपको उस हिसाब से मिल जाएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब इंस्टा, आपको जिस तरीके का चाहिए लोगो आपको मिल जाएगा। जैसे मैंने इंस्टा डाल लिया, पैक कर दें। आप इंस्टा को एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे कितने वीडियो पे चाहिए पहले आप इसे इतना एडजस्ट कर लें कि इतने वीडियो पे इतना मेरे को चाहिए, उसके बाद उसको सिलेक्ट करें, उसको सिलेक्ट करें। आप कम ऊपर नीचे कर सकते हैं, जिस जगह पे आपको लगाना हो उसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए नहीं कर रहा हूँ, इसे दिखा रहा हूँ। डन कर दें, ये देखिए आप वीडियो प्ले करते हैं, ये देखिए आ गया। आप इसकी स्पीड भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। अब अपने हिसाब से लगा लें जिस तरीके से चाहिए हो, कम ज़्यादा कितने वीडियो पे चाहिए, कितने तक चाहिए आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। ये बहुत फिल्टर आते हैं, मैं आपको बाद में बताऊंगा अदर फिल्टर कहाँ से भी ला सकते हैं इसमें। इसके बाद आप इसमें जो दो डबल वीडियो लगे होते हैं उसके बीच जो प्लस लगा होता है आप उस पर क्लिक करके इफेक्ट डाल सकते हैं कि मेरा दूसरा वीडियो किस तरीके से उसके पीछे शो करे। ये देखिए, देखिए रोटेट करते हुए आएगा, रोटेट वाला अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने रोटेट लगाया है। ये देखिए, ये देखिए वीडियो कितना अच्छा लग रहा रोटेट होते हुए आ रहा। देखिए आप इसी तरह के इफेक्ट को भी रोटेट कर सकते हैं।